ये वीडियो है मिसफिट T50 ट्रिमर बाय बोट के बारे में और ये प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। ये जो ट्रिमर है वो रिसेंटली लॉन्च्ड हुआ है, तो पूरी बात करेंगे फुल वीडियो में, तो चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो। आपको मिसफिट T50 ट्रिमर फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो डायरेक्ट आप वहां से बाय कर सकते हैं। बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से और देख लेते हैं कंटेंट में क्या क्या मिल जाता है। तो यहां पे आप देखोगे बोट की एक सील मिल जाती है। पैकेजिंग की बात करें तो अल्टीमेट पैकेजिंग है, बाकी आगे देखते हैं। तो ट्रिमर को देखने से पहले हम उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बॉक्स के पीछे साइड में लिखा हुआ है सारा सब कुछ। तो बता दूं इसको कि 1.5 घंटे में इसको आप फुल चार्ज कर सकते हो और 160 मिनट तक इसका कॉर्डलेस यूज़ कर सकते हो आराम से। और ये कॉर्डलेस कॉर्डेड दोनों है, तो आप डायरेक्ट चार्जिंग में लगा कर भी इसे यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा फीचर माना जाता है इसमें। और बाकी इसको आप ट्रिमिंग रेंज जो है 0.5 mm टू 20 mm तक इसकी चली जाती है। दो हेड हमको मिल जाते हैं 0.5 mm एंड 10 mm का। बाकी वॉशेबल ब्लेड्स है, क्योंकि ये डिटैचेबल ब्लेड के साथ आता है, तो डायरेक्ट आप इसको ब्लेड को निकाल कर इसको वॉश कर सकते हो। लाइट वेट है, काफ़ी हैंडी है, और अभी मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो में चल के। बाकी इसमें आप देखोगे सारे फीचर्स हैं, ट्रेवल लॉक भी आ जाता है इसमें, और टाइटेनियम ब्लेड है और स्टेनलेस स्टील का भी है, मिक्स दोनों ब्लेड में, एक ब्लेड नीचे वाला टाइटेनियम का है और ऊपर वाला ब्लेड स्टेनलेस स्टील का है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसको पूरा अच्छे से अनबॉक्स करके, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अंदर की पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी, ये देखो, तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमको ये कैरी पाउच मिल जाता है, देखिए मिसफिट की ब्रांडिंग के साथ ये मिल जाता है। दो हेड कॉम मिल जाते हैं आपको, एक USB केबल चार्जिंग के लिए मिल जाता है, क्लीनिंग ब्रश मिल जाता है, ये लुब्रिकेंट ऑयल मिल जाता है यहाँ पे। और नीचे साइड हम देख लेते हैं, तो इसमें कुछ पाउच में इसके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ये देखेंगे हम, ये देखिए इसमें ये यूजर मैनुअल मिल जाता है इस ट्रिमर का, तो आप वो चेक कर सकते हैं, देख लेंगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बाकी 1 ईयर की वारंटी मिल ही जाती है इसमें आपको, देखिए 1 ईयर मैनुफैक्चरिंग वारंटी है ये, तो आप 1 ईयर तक इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी नंबर वंबर वगैरह दिए हैं, तो इसमें आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी वारंटी, ये देखिए मिस कॉल देकर। बाकी ये बुकलेट मिल जाता है प्रोडक्ट का, बोट के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसका बुकलेट है ये, वो देख सकते हैं आप। बाकी इसमें 3 बोट हेड के स्टिकर मिल जाते हैं, ये देखिए, तो इसको कहीं भी आप चिपका सकते हैं अगर आपका मन करे तो, अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल से कोई यूज़ नहीं है इनका, बट ठीक है दिया है तो अच्छी बात है। और ये रहा हमारा ट्रिमर, ये देखिए ये रहा हमारा ट्रिमर, ये मैंने सिल्वर कलर में लिया है, तो इस साइड सिल्वर है, बाकी तो बॉडी ब्लैक कलर की है, ये देखिए। और ये हमें यहाँ पे नंबर घुमाने के लिए मिल जाता है, कितने लेंथ की सेटिंग कर सकते हैं, तो आप देखेंगे 0.5 mm, फिर 1, फिर 1.5, 2, 2.5, ये मतलब हाफ हाफ में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसके मतलब टोटल लेंथ आपको 20 मिल जाती है इसकी। तो दोनों कॉम के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं कितनी लेंथ आपको चाहिए, ये देखिए एक बड़ा कॉम मिल जाता है इसमें और ये छोटा कॉम, तो ये भी सही चीज़ है। और बाकी ये आपको यहाँ पे LED लाइट मिल जाती है, ये पावर बटन मिल जाता है आपको, और यहाँ से आप एडजस्ट करेंगे दोनों साइड से पकड़ के, इधर से और इधर से, तो यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। और ये रही ब्लेड हमारी जो कि डिटैचेबल है, ये देखिए, और ये टाइटेनियम है नीचे वाली ब्लेड जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये स्टेनलेस स्टील है ऊपर वाली ब्लेड, तो ईज़िली आप इसको डिटैच कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। तो अटैच करने के लिए मैंने आपको, ये देखिए इज़िली आप अटैच कर सकते हैं, बहुत जल्दी अटैच हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मैं बात करूँ इसकी कॉम कैसे लगाएंगे हम इसमें, तो ये जो एरिया बना है जो जहाँ पे हमने ब्लेड लगाया वहाँ पे एक छोटा छोटा एरिया जो है ये लाइन खाली है, तो वहाँ पे इज़िली आप इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं, ये देखिए ये अटैच हो गया, ये देखिए
आप बढ़ाएंगे तो इजिली ये सारी लेंथ हो जाती है। और इसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे निकालोगे, एक नंबर में लगा रहेगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम जाती है, टाइट रहता है ये। अगर आप इसको डायरेक्ट 10 नंबर में करके और फिर खींचेंगे तो ये इजिली निकल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, निकालने के लिए आप 10 नंबर में लगाइएगा। बाकी आप फिट कैसे भी कर सकते हैं, चाहे 10 नंबर हो चाहे एक नंबर हो, वो फिट हो जाता है इजिली। तो ये सही लगा मुझे, तो ठीक है। बाकी मैं आपको LED इंडिकेटर दिखा देता हूँ, जैसे ही आप चालू करोगे तो ये ग्रीन लाइट इसमें जल जाती है, तो ये भी सही लगा मुझे। बता दूं यहाँ कि इसमें जो कि हमें दो कॉम्ब के अकॉर्डिंग ये तो मिल ही जाता है कि हम लेंथ इसको बढ़ा और कम कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने बताया आपको 10 फिर पॉइंट दिया हुआ है, फिर 9 फिर पॉइंट दिया हुआ है, फिर 8 फिर पॉइंट, तो इन पॉइंट्स को मिलाकर आप 40 कंबाइंड लेंथ सेटिंग्स में आप अपनी बियर्ड कॉम्ब, मतलब जो भी बियर्ड है आपकी, वो इजिली आप अच्छे से लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं आपकी बियर्ड, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको स्मॉल और बड़े में भी। बाकी यहाँ पे आप बॉक्स में देखोगे तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे 2499 का रेट दिया हुआ है, बट आपको ये 900 में मिल जाता है, 899 में ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। तो मैं इसकी आपको चार्जिंग जो पोर्ट दिया हुआ है ये देखिए, ये USB नॉर्मल USB टाइप का है, तो इसमें आप इजली किसी भी केबल से चार्ज कर सकते हैं। आपके जो पुराने फ़ोन्स आते थे ये देखिए माइक्रो USB पोर्ट है ये, तो इजली आप इसे चार्ज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक इसमें किसी चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है, डबल पिन हो गया जो भी आते थे पहले, तो वो ठीक सही नहीं लगता था मुझे कि आप डायरेक्ट उसी के केबल लेकर चलो या फिर कहीं भी चार्ज करना उसी केबल आप सर्च करो, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे काफ़ी सही लगा ये कि फीचर इसमें दिया है कि माइक्रो USB टाइप का ये पोर्ट दिया हुआ है इसमें, ये सही लगा। बाकी इसकी मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, चार्जिंग का जो भी है, पावर बैंक से मैं चार्ज करके भी इसको दिखा देता हूँ कि LED लाइट कैसे इंडिकेट करेगी इसमें, और बाकी मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ। तो सैंपल के लिए चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं। इसको आप पावर बैंक या फिर डायरेक्ट प्लग से भी चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको इसको पावर बैंक से चार्ज करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही चार्ज में आप इसको लगाएंगे तो ग्रीन लाइट इंडिकेट करने लग जाती है, जो कि ब्रीदिंग इफेक्ट में आपको इसका ग्रीन इंडिकेशन जो लाइट है वो मिल जाता है। यहाँ पे चार्ज में लगाकर भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्डलेस है एंड कॉर्डेड दोनों है, तो ये चार्जिंग के दौरान भी इजिली अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ, जो कि सैंपल कॉम्ब हेड लगाकर 2 mm की सेटिंग में है, और ये बहुत ही स्मूथ और शार्प ब्लेड के साथ आता है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, तो ईजली स्मॉल और बिग हैंड में फिट हो जाता है। तो ये 2 mm की सेटिंग में ट्रिमिंग का रिजल्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और मैं यहाँ पे आपको लाइव जो कि हमारा कॉम्ब हेड है उसको डिटैच करके 0.5 mm की सेटिंग में एक सैंपल दिखा देता हूँ। तो हम सेट कर लेते हैं इसको प्रॉपर 0.5 mm की सेटिंग में। यहाँ पे आप देखोगे ये देखिए, तो बहुत ही आसानी से सेटिंग वगैरह करना भी आसान है इसमें, और 0.5 mm की सेटिंग में आप ये रिजल्ट आप देखोगे तो काफ़ी स्मूथ ये ट्रिमिंग करता है। बहुत ही अच्छी रेंज है इसकी कटिंग की, और अगर बात करें रिजल्ट की तो बेहतरीन शार्प ब्लेड के साथ ये अच्छी ट्रिमिंग कर देता है। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात आती है, तो मिसफिट T50 बाय बोट ट्रिमर एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के साथ है, और रिजल्ट एक्यूरेट निकाल के देता है। ईजी प्रेस पावर बटन मिल जाती है, LED लाइट इंडिकेशन मिल ही जाता है आपको, बाकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। तो 899 में ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं बता दूं आप इसको आराम से ले सकते हैं। ये एक रेपुटेड ब्रांड की तरफ से एक अच्छा ट्रिमर 899 में मिल रहा है, सो बाय इट, डोंट थिंक ट्वाइस। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।